धन्यवाद आपका जी, आप हमारी वीडियो पर आए हैं। आप खुश रहिए और आपके माता पिता भी बहुत खुश रहे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मूंग दाल का धुसका। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पे मूंग दाल ले ली है और चना दाल, इनको सबसे पहले भिगो देंगे पानी से। फूलने के बाद इनको धुल करके पीस लेना है। और यहाँ पे देखिए, हम मूंग दाल लेंगे कटोरी में, उसके बाद चना दाल, और अब इसमें लेना है चावल का आटा, उसके बाद पिसा हुआ अदरक, मिर्च तीखा के हिसाब से, लाल मिर्च डाल देना है, धनिया पाउडर, और अब डाल रहे हैं चाट मसाला और हल्दी पिसा हुआ, हींग, इसके बाद जीरा, और इसमें डाल देते हैं बेसन 2 चम्मच, इसके बाद नमक, तो इसमें डाल देना है पानी और इन्हें चम्मच से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, कुछ देर के बाद इन्हें ऐसे ही मिक्स करना है, उसके बाद आधा घंटे के लिए छोड़ देना है सेट होने के लिए। और अब इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हरा धनिया, उसके बाद इधर कढ़ाई में ऑयल गर्म है तो इन्हें कलछुल से बना लेना है, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर हम 2 बना रहे हैं, लेकिन आप 2 मत बनाइएगा, 1 ही बनाइएगा, क्योंकि ये देखिए सेफ इसका ख़राब हो गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 ही बढ़िया से बना है। तो अब ये फ्राई हो चुका है तो इन्हें हम निकाल लेते हैं, और ये भी देखिए पक जा रहा है, पकने के बाद इनको भी निकाल लेंगे। और इसी तरीके से आपको एक और बना के दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम 1 ही डालेंगे सबसे पहले बनने के लिए। तो ये भी एक तरफ फ्राई हो गया है तो इन्हें हम पलट दिए हैं, दोनों तरफ अच्छे से पका लेना है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं, तो इन्हें प्लेट में निकाल लिए हैं, और टमाटर की चटनी के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी बना करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा खाने में अच्छे लगते हैं। और अब इनको तोड़ के भी हम दिखा देते हैं आपको। ये देखिए बहुत ही अच्छे बने हैं, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी है।